2020 से हम लोग लगातार छुट्टी भेज रहे हमारे अकोमोडेशन के लिए ड्यूरिंग पोस्टिंग एंड क्वारंटाइन के लिए, लेकिन ये डेली हम मेल कर रहे हैं, सारे लोगों को मेल कर रहे हैं, सारे मिनिस्टर को कर रहे हैं, मतलब अभी भी हमें कोई भी किसी ने भी कोई जवाब दिया ही नहीं है। उसके अलावा डेली दो दो तीन तीन बार हम अपना एमडी से मिलने आते हैं, लेकिन हमारे एमडी अंदर आने नहीं देते, एक आ जाओ करके हमें बाहर खड़े कर देते हैं। और इतना दिन हमने बात किया है, उसके बाद आज सुबह मैं और ये मैडम मिलके गया था, तभी भी बोला सब लोग अंदर मत आना, फिर भी मैं घुस गया और मैडम घुस गया, वहां जाके 20 मिनट हमारे को बिठा के रख दिया, कुछ भी बात नहीं बोला है। उसके बाद उन्होंने बोला है, हमने बोला हमें क्वारंटीन और हमें ड्यूरिंग पोस्टिंग टाइम में रहने का जगह अच्छी तरह से मिलना चाहिए, तो उन्होंने बोला है गुजरात भवन है यहाँ पे, वहां पे हो जाएगा, अभी हम मतलब लेटर लिखेंगे। हमने बोला ऐसा नहीं चलेगा, मैंने बोला सर हमारे लोग मतलब कहाँ जाएंगे, होम का क्वारंटीन कर लो करके बोल रहे, मतलब अपने घर पे चले जाओ। अब मैंने बोला अपने घर पे दो कमरे होते हैं, 2 BHK होते हैं हमारा घर पे, वो 2 BHK है, मैं हमारे हस्बैंड नहीं है तो हमारे वाइफ नहीं है तो हमारे बच्चे ये सब कहाँ रहेंगे, 5-6 कमरा है तो हम एक कमरे में तो मतलब आराम से बैठ जा सकते हैं। बोला अच्छा ले रहे हो, अच्छा ले रहे हो, यहाँ पे किसी के पास मतलब इतना बड़ा घर है नहीं है, ठीक है ये बता दिया तो बोल रहे इस तरफ से बात करेगा तो कैसे मिलेगा। मैंने बोला क्यों नहीं मिलेगा, आप एमडी होके आपको नहीं कर सकते है, तो मेरे को बोले आप ये कुर्सी पे बैठो, ये कुर्सी पे बैठ के आप कर सकते है तो कर लो। मैंने बोला आपको कर नहीं सकते तो फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं हमें बैठने के लिए, क्योंकि एक हॉस्पिटल का अधिकारी एमडी होता है, वो एमडी को कर नहीं सकते तो हम क्या करेंगे बताओ, और हमारा लाइफ हमारे लिए बहुत प्रेशियस है, उसके ऐसे ही है हमारा फैमिली भी हमारे लिए, तो इसलिए सर जो भी कुछ करना है करो, नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप हम लेंगे करके मैंने बोला है उनको। और इतना बोलने के बाद अभी हम सारे मिनिस्टर्स का घर पे हम मतलब गाड़ी लेके घूम गए, आधा आधा घंटे तक हम खड़े हो गया, कोई भी बात नहीं किया, सुबह से हम निकला हुआ था अभी आया।